आज क्या क्या चाहिए रहेगा? आज शायद वो परमिशन देखेंगे ना। गो एयर का जो फ्लाइट था, जो सस्ता फ्लाइट था, वो बंद हो चुका है। तो इसी सुबह निकले थे और दोपहर को पहुंचे थे खारदुंगला। भैया स्नो मिल गया। टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने अपने लिए कावा मंगाया है यहाँ पे। फाइनली चिराग आ गया, थोड़ा टेंशन कम हो गया। ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आ गया। का व्यू है हमारे बालकोनी से, उस साइड भी स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहा है वो, और इस साइड तो मतलब यहाँ पे, फिर इस साइड आ जाओ, पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। और वहाँ पे ना कुछ तो छावनी लगा हुआ है, सारे साइकिलिस्ट लोगों ने वहाँ पे कुछ कैंप डाला हुआ है। वहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे साइकिलिस्ट, ऑलमोस्ट इन 50। मस्त नज़ारा है यार, सीरियसली। थोड़ा सा बादल है बट नॉट श्योर इट विल रेन, कल तो बहुत गर्मी था। यहाँ पे मेरा दोनों पैनियर्स और ये टॉप बॉक्स। आज मैंने ऐसा प्लान किया है कि सिर्फ टॉप बॉक्स निकालूंगा चेक इन करने टाइम में। आज मैं वंडरलिच का डिहाइड्रेशन बैग भी कैरी करने वाला हूँ। मैंने इसमें 1.5 लीटर का पानी भी डाल लिया है। ये मेरा टैंक बैग जो साथ में ही रहेगा, की है, और बाकी इधर मेरा हेलमेट। हेलमेट में मैंने गोप्रो, कार्डो सब माउंट कर लिया है। आज क्या क्या चाहिए रहेगा? आज शायद वो परमिशन देखेंगे ना, सिर्फ परमिशन ना। हाँ, तो वो मैंने टॉप बॉक्स में रख लिया है। हो गए तैयार, राइट नाउ इट्स 7:30 और हमारा बस एक ही चीज बाकी है, जो कल मैंने लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे अभी तक आए नहीं है, उसका वेट कर रहा हूँ। वो आ जाएगा तो पैक करूंगा और सीधा यहाँ से निकल जाऊंगा। ब्रेकफास्ट करना है और चिरू के बाइक में थोड़ा क्लच का इशू है, हार्ड हो गया है, उसको थोड़ा लाइट करना है, तो वो काम है। और बाइक धुली नहीं, और मैंने भी छोड़ दिया, चिरू ने भी छोड़ दिया, तो फिर आगे जाके देखेंगे। आगे वैसे भी गंदा होना है, थोड़ा बहुत पानी वानी से साफ वाफ करके निकल चलेंगे। चिरू भैया अभी तैयार है हमारे, लॉन्ड्री वाला कपड़ा लेके आया और प्रेस ही नहीं किया था, वो तो मैं भी ऐसे ही सर्फ में भिगो के निचोड़ के सुखा देता। बार ना ले में कुछ ज्यादा टूरिस्ट आए ही नहीं है, एक तो लैंड स्लाइड है, काफी सारे हाईवेज ब्लॉक थे, और दूसरा गो एयर का जो फ्लाइट था, जो सस्ता फ्लाइट था, वो बंद हो चुका है, तो इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट डायरेक्टली फ्लाइट नहीं कर रहे हैं ले के लिए। इस होटल में हम लोग सिर्फ 4 लोग थे, मैं, चिरू, प्रसाद, प्रतिमा। फाइनली टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, राइट नाउ इट्स 8:30। ट्राई कर रहे थे 8 o'clock निकलने का, बट आधा घंटा लेट हो ही गया। लोडेड है, वार्म अप भी हो चुका है बाइक का, अब सीधा निकलना है। मैप भी लगा लिया हूँ मैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। खारदुंगला पास डाला है अभी मैप में। मौसम अभी थोड़ा क्लाउडी है, बारिश ना हो, बारिश हो गया तो भाई थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। स्नो पीक्ड माउंटेन्स हो, देख के तबीयत खुश हो जाता है। चिराग निकल चुका है और मैंने मीटर नहीं सेट किया यार, ये रीसेट हो गया। यहाँ से लेना है लेफ्ट। मैंने प्रसाद को बोला है कि देखो यार 5 घंटे का है, अगर प्रतिमा फील ओके करती है तो तुम लोग निकल सकते हो 12 बजे भी। सो देवर हैविंग ब्रेकफास्ट, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। फाइनली हम लोग ले छोड़ चुके हैं और खारदुंगला की तरफ निकल चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतना अच्छा रोड है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे रॉयल इनफील्ड में 2016 में, तो यार सुबह निकले थे और दोपहर को पहुंचे थे खारदुंगला, और अभी देखो एकदम मस्त रोड है। वैसे सिंगल लेन है लेकिन एक नंबर है। पीछे हमारा दोनों चीज़ चेक हुआ, एक तो RC चेक हुआ, उसके बाद हमारा परमिट चेक हुआ। सो फार इट्स ऑसम। बाइक से उतरने चढ़ने में भी थोड़ा सांस फूल रहा है। लास्ट टाइम मुझे कहीं पे भी EMS नहीं हुआ था, खारदुंगला से जब मैं वापस आया था तभी हुआ था। मैं भी थोड़ा स्पीड कम ही मेंटेन करूंगा क्योंकि आज प्रसाद नहीं है, तो थोड़ा दोनों साथ साथ ही चलेंगे। GoPro का जो ग्लिच है ऑन ही नहीं हो रहा था, आप लोग को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे ट्रक्स जा रही हैं ऐसे करके पूरा ऊपर तक हैं। कल हमने फ्यूल अप करवा लिया था लेह में घुसने से पहले ही, तो अभी 579 किलोमीटर का रेंज है। माइलेज अगर दिखाऊं तो 21.2 किलोमीटर का माइलेज दिखा रहा है। यहाँ पे एक मस्त व्यू पॉइंट है, पूरा लेह यहाँ से दिख रहा है, और जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है पूरे वो दिख रहा है उस साइड भी। इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बनाते हैं और निकलते हैं। चिरू अपना बढ़ते जा रहा है। क्या मस्त व्यू है यार, ईच एंड एवरी माउंटेन के टॉप पे ना स्नो है। टेम्परेचर हैज़ गॉन डाउन टू 13 डिग्री सेल्सियस, और अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ पे स्नो दिख रहा है हमें और लगता है फ्रेश स्नो हुआ है। सो यहाँ से साउथ कुल्लू है 2 किलोमीटर। ऑसम व्यू भाई, ऑसम, मतलब देख के ना मज़ा आ रहा है, और चलाने का तो अपना अलग ही एक फ़न है। यहाँ पे हमारा परमिट चेक होगा और एंट्री होगा साउथ कुल्लू में। कुछ नहीं है भैया यहाँ पे, बस
एंट्री करवाना है, परमिट भी नहीं चेक किया। यहाँ पे तो रोड भी चौड़ा हो गया है। अरे यार लुक एट दिस व्यू मैन, लुक एट दिस व्यू। वो बीच में जो माउंटेन है उसमें तो फ्रेश स्नो है, फुल स्नो है वहाँ पे। मज़ा आ गया भैया, मज़ा आ गया। टेम्परेचर 10 डिग्री पे पहुँच गया है, नीचे गिरते जा रहा है। और विंटर लाइनर्स तो मैंने ऊपर का पहन रखा था, नीचे का नहीं पहना था। बट एक बार खारदुंगला क्रॉस कर लेंगे। ये देखो इस साइड से पूरा एकदम फ्रेश स्नो है भैया, स्नो मिल गया। वाह, बस एडवेंचर है एल्टीट्यूड का। टेम्परेचर गिर के हो गया है 8। यहाँ से थोड़ा ऑफ रोडिंग शुरू हो गया है, मुझे लगता है एंड्यूरो मोड पे लगाना पड़ेगा, सेटलिंग करना पड़ेगा। भाई लोग पहुंच गए हम लोग खारदुंगला। टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और वहां लगाते हैं। यहां बहुत भीड़ है। 5 मिनट रुकते हैं, पानी पीते हैं और निकल जाते हैं। फ्रेश स्नो है पूरा इधर, एक बना लेने दो। फाइनली यहां से निकलने का टाइम आ गया है, सर पकड़ने लगा है मेरा। व्यू जो है ये है, सुपर व्यू है, सुपर व्यू। ओ माय गॉड यार, वी आर क्रॉसिंग खारदुंगला। सीरियसली मस्त व्यू है यार, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस व्यू। फ्रेश स्नो है। एक फोटो लेता हूँ नीचे उतर के। लुक एट दिस, एवरेस्ट पूरे स्नो में पहली बार। मज़ा आ गया दोस्तों, सीरियसली। ये जो व्यू है ना, सीरियसली इट्स हेवन। बेंगलोर से यहाँ तक का आना ना सार्थक हो गया। लैंडस्लाइड्स, हाईवे ब्लॉकेज, इतनी गर्मी, बारिश, सारे चीज़ों को झेलते हुए मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। और इतने करीब से मैं स्नो देख रहा हूँ ना, सीरियसली मैं बयान नहीं कर सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ये फ्रेश स्नो, पीछे से सर पूरा दर्द करने लगा है। एक बार बस स्नो में पैर रखना है और स्नो को उठाना है। ओ मैन लुक एट दिस, ओहो ओहो, सीरियसली क्या ये तो फ्रेश स्नो है। देखो मज़ा आ गया भैया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो और एक बार तलवार भी निकाल लिया जाए। ये देखो क्या है, देखो फ्रेश हुआ है। ओए टूट गया, ओए फिसल रहा हूँ मैं। नीचे उतर जाता हूँ भैया, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया। ये मेरा कुखरी। हाँ चलो अब फटाक से नीचे उतरता हूँ। मज़ा आ गया मेरे भाई। अच्छा खासा नीचे उतर चुका हूँ मैं और जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। नॉर्थ पुल्लू आ गए, पता नहीं चिरू यहाँ पे भी है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। एक बार उतर के कॉल करते हैं। साला कहाँ चला गया भैया इतना आगे। नॉर्थ पुल्लू में आके रुक गया हूँ। देखो फ्लाइट जा रहा है लेह से, सॉरी खारदुंगला के ऊपर से। क्या मस्त व्यू दिख रहा होगा उन लोगों को अगर विजिबिलिटी क्लियर होगा तो। मैंने अपने लिए कावा मंगाया है, यहाँ पे कावा पीते हैं और आगे निकलते हैं। चिरू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जियो का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मेरा एयरटेल का नेटवर्क है। कॉल किया ट्राई करने का, नहीं मिला। सोच रहा हूँ आगे ही बढ़ूँ, हो सकता है वो आगे बढ़ गया होगा। चिराग आ गया, मैं गया था
जहाँ पे एंट्री करना रहता है वहाँ पे देखने के लिए। हाँ, परमिट का कहाँ दिखाना है? परमिट कहीं नहीं दिखाना है, एंट्री एक जगह किया होगा पीछे और एक जगह यहाँ एंट्री करना है। बस एंट्री करके आते हैं। बस एंट्री कर लो। हाँ, फाइनली चिराग आ गया, थोड़ा टेंशन कम हो गया। चिराग ने भी वहाँ पे एंट्री कर दिया है। बोल क्या करना है? मैं वहाँ जाके कावा पिया था तो कैसा लगा कावा? बढ़िया था, चल वहीं पी लेते। बाय बाय। खारदुंगला विलेज क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से दिखा रहा है 1 hour 5 minutes 47 किलोमीटर। खारदुंगला से उतरने के बाद थोड़ा सा हल्का सा 1-2 किलोमीटर के लिए पैची मिला था, उसके बाद वो थ्रू आउट मस्त है रोड। चिरू भाई साहब आगे हैं एज यूजल, उनको आगे रखा है चिरू भाई को। यहाँ पे जिधर भी सर घुमाओ ना व्यू ही दिखता है और मैं परेशान हो गया हूँ रिकॉर्ड कर करके। आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ अरे ये अच्छा व्यू है, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर आगे बढ़ता हूँ, अरे पीछे वाले से तो ये अच्छा था। ऐसा ही चलता जा रहा है, गोप्रो और फोन दोनों डिस्चार्ज होता जा रहा है। ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आ गया। ओए होए हो हो हो, नाच रहा है। ओए होए, इजी 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 बॉय, इजी। मुझे देखना पड़ेगा चिरू का। चलो चिरू भी क्रॉस कर गया और आगे कुछ और बाइकर्स हैं। आगे लैंडस्लाइड हो गया और कुछ काम चल रहा है, उसको लेवल अप कर रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ पे कितना देर रुकना पड़ेगा। ओहो बहुत धूल है भैया, ऐसे ही पूरा वाइट हो गया है। चिरू अपने पीछे ही है, एक बार इसके खुलने का वेट करते हैं। तो फाइनली जाम खुल गया, जाने देता हूँ इसको, बहुत धूल उड़ाएगा ये। अभी एडवेंचर मिल रहा है, ये भी थोड़े दिन में बन जाएगा। रोड चौड़ा कर रहे हैं बेसिकली भाई, पूरा रोड ऑफ रोडिंग है, पूरा सेटलिंग करना पड़ रहा है। लगता है बने हुए रोड को तोड़ा गया है फिर से नए बनाने के लिए। ये स्कॉर्पियो वाला साला हद किए हुए है, एक बार गिरते गिरते बचा था इसी की वजह से। ये हुआ ना एडवेंचर लद्दाख आने का। हाथ पे बहुत जोर जा रहा है यार सैडलिंग करने में, पर उसी में ठीक लग रहा है, नहीं तो बाइक भम 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 मार रही है बैक पे। सुपर सेवी ऊपर, फाइनली ऑफ रोडिंग पैच खत्म हुआ, पूरा वाइट हो गया है। राइडिंग गियर से पूरा वाइट हो गया है, इतना पाउडर निकला है वहाँ से। मज़ा आया यार, यही खोजने के लिए तो आया था मैं, मज़ा आ गया। रोड पे सैडलिंग करने में हाँ बम दर्द गया तो फिर कर लो, लेकिन ऑफ रोडिंग का जो सैडलिंग करो ना अलग लेवल का है। और यहाँ पहाड़ आप देख रहे हो एकदम पिंक कलर का है, वही मैं देख के आश्चर्य था। वहाँ भी मिला था मरून कलर का, कारगिल से जब आ रहे थे। गर्मी बहुत बढ़ गया है, मुझे लगता है कहीं जाके विंटर लाइनर्स खोलने पड़ेंगे। टेम्परेचर जो अभी दिखा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस, और पीछे हल्का सा मुझे लगता है पैर में चोट भी लग गया है, वो तो राइडिंग बूट्स ने मुझे बचा लिया। अभी जस्ट प्रसाद का कॉल आया था, प्रतिमा इज़ फीलिंग बेटर, सुबह से ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई प्यूकिंग नहीं हुआ है। प्रसाद इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। रोड तो बहुत ख़राब है यार, बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे, बाइक नाच रही है। फिर से आगे कुछ काम चल रहा है, अभी लग रहा है ऑफ रोडिंग करने में मज़ा। हट जा भाई, हट जा। थैंक यू अंकल। लगता है यहाँ पे शादी हो रहा है क्या, एक लाइन से सब लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ है यार, काफ़ी ट्रैफिक है। ये जो कॉन्वॉय चल रहा है ना लोकल लोगों का, कुछ तो फंक्शन है इनका। आगे में इनका झंडा लहराता हुआ जा रहा है और ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं किसी को भी, और पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ वेट कर रही थी इस कॉन्वॉय का। और जैसे ही ये कॉन्वॉय पास हुआ है सब लोग दौड़ के अपने कार में बैठे हैं। यहाँ से हुंडर सैंड ड्यून्स जो है 6.2 किलोमीटर है। ये है हुंडर सैंड ड्यून्स,
अभी तो बहुत ही खतरनाक गर्मी है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। आगे हुंडर विलेज है, वहाँ जाके थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स पिया और जो अपने विंटर लाइनर्स थे वो उतारे रखे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है चलाने में। चिरू भी आ गया, चिरू भी पीछे ही है अपने। नेचर को देखो, मतलब पहाड़ और उस पहाड़ में सैंड, सीरियसली अलग लेवल का है नेचर यार यहाँ पे। तो अभी प्लान है यहाँ से डिस्किट मोनास्ट्री जाएंगे, यही है सैंड ड्यून्स इधर से पीछे, वो सियाचिन वाला रास्ता देखा था, एक दिखा रहा था वहीं जाना है। बहुत तगड़ी गर्मी है, 30 डिग्री दिखा रहा है। यहाँ से तुरतुक पास में ही है, कितना दूर? 77। डिस्किट मोनास्ट्री आ गया और दूर से ही दिख रहा था वो, देखो पता नहीं गोपरो कैप्चर कर पा रहा होगा कि नहीं। और वो जो काफिला चल रहा था ना इन लोगों का, लामाज का, मुझे लगता है वो लोग भी मोनास्ट्री ही गए होंगे। क्या मस्त लग रहा है यार, फाइनली वी हैव एंटर्ड डिस्किट मोनास्ट्री। एंट्री नहीं दे रहे हैं? अबे बहुत दूर है, पूछ के आना, बाइक के लिए होगा। मोनास्ट्री में पहुँच गए और देखो सामान क्या क्या लेके चलना पड़ रहा है। हेलमेट, हाइड्रेशन बैग टंगा हुआ है, टैंक बैग टंगा हुआ है और जैकेट टंगा हुआ है। चिरु मस्त घुमाता हुआ जा रहा है और ये है गौतम बुद्ध, मस्त बनाया है मोनास्ट्री भैया, इतना ऊपर इतनी बड़ी मूर्ति। चल भाई यहाँ है, सामान रख देते हैं यहाँ पे पहले, तब घूमते हैं। गौतम बुद्ध की प्रतिमा बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही, कैसे बनाया होगा, मस्त लग रहा है। और डिस्किट का उधर एक बार पूरा परिक्रमा कर लेते हैं। फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया, यहाँ पे रुक गए लंच करने के लिए। हालत तो बेहाल है, मतलब दो स्निकर्स खाने के बावजूद भी एनर्जी डाउन है। अभी राजमा चावल और दाल चावल खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आधा एक घंटा है अपना रिजॉर्ट, सीधा रिजॉर्ट पहुँचते हैं और रेस्ट करते हैं। चिरू आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत गर्मी है। चिरू अर्बन क्लब से डिटैनिंग करवाएगा, चावल राजमा और उधर चावल दाल। खाना तो टेस्टी लग रहा है, प्याज मंगाएं। खाना खाने के बाद निकल चुके हैं हम लोग। क्या हो गया चिरू को, खाना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था। यहाँ से 32 मिनट दिखा रहा है हमारा टाइगर कैंप। पहाड़ सब पे जो बादल का जो शैडो बन रहा है ना, एक नंबर लग रहा है। खालसर, खालसर यहाँ से 9 किलोमीटर है। सोक रिवर से गुजर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो काम हो रहा है। यहाँ पे फ्लो ठीक है रिवर का, ये रास्ता तो बंद है। पीछे से यू टर्न लेके आ गए, चिरू भी अपना यू टर्न लेके आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ये तो बुरे फंसे। आगे ब्रिज बन रहा है। हाँ अरे कल भी जाना है, ऐसा थोड़ी है, वो रास्ता हो गया। उन लोग से पूछना पड़ेगा सुमूर विलेज कैसे जाएंगे। ये किधर जाएगी रास्ता? मुझे टाइगर कैंप नुबड़ा जाना है, यहाँ से रास्ता है? होना चाहिए, होना चाहिए बोल के चला गया। रुको साथ ही रहना, नहीं तो दोनों बिछड़ गए तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। छोटा सा रास्ता दिखा रहा है, मैप रीड आउट किया है, होपफुली ये बंद ना हो। ये पूरा एकदम अंदर से लेके जा रहा है, अभी तक तो पहुंच गए रहते हैं। अभी यहाँ से 20 मिनट दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं है। सुमूर विलेज से जाना है हमें, सूरज देवता एकदम सर के ऊपर ही है। ये रास्ता भी अच्छा है, सीनिक है। एक्चुअली लद्दाख में सारा रास्ता सीनिक ही है। ये हमारा एक बेसिक सा टेंट है, एक लाइन में कुछ 5-10 टेंट इधर है और एक रो नीचे भी टेंट है। ये बहुत बेसिक सा है, इसमें एक बरामदा है छोटा, उसमें दो चेयर्स जिसमें हमने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, यहाँ पे हमारे जूते और एक बेड, और यहाँ पे भी हमने कपड़े फैला दिए हैं, और वो है वॉशरूम बल्ब के नाम पे, बस ये। और बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया है, हर तरह की खेती हो रही है, सरसों, कॉलीफ्लावर, उसके बाद से टोमेटो और आलू, बहुत ग्रीनरी है। सीरियसली आई लाइक दिस प्लेस। बस रूम बहुत बेसिक है, इधर पूरा पहाड़ है और सामने भी पूरा पहाड़ है। प्रसाद का वेट कर रहा हूँ, वो भी एक घंटे में आ जाएगा। कल हम लोग निकलेंगे सियाचिन वॉर मेमोरियल की तरफ, जाने में लगेगा 3 घंटे, आने में 3 घंटे, 6 घंटे और 1-2 घंटे वहाँ रहेंगे। सो इसीलिए कल भी हमारा स्टे इसी प्रॉपर्टी में है और परसों हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और कहाँ निकलेंगे वो आप लोग को व्लॉग में पता चल जाएगा। सो अगर ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाइकिंग। सो If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So, you don't die if you try, you just wanna do